हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिसाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर फोर के ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें से फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे कोर एट के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कोर एट के पेपर 2020 में पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड दोस्तों को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज बिना देर के चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी देखने वाले हैं कोर एट के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है और सेमेस्टर फोर्स के रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अगर इसी तरह अपडेट वीडियो पाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं फ्रेंड्स अपडेट वीडियो बनाते रहता हूं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए बेनिफिट होता है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे, सेशन 2018 से 2021 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, पेपर में ये दिया रहता है कि किन्हीं चार प्रश्न होता है जिसमें से प्रश्न संख्या एक अनिवार्य है, यानी चार प्रश्न में से किन्हीं तीन प्रश्न का उत्तर देना है और एक नंबर जो प्रश्न है वो कंपल्सरी है, आपको हर हाल में बनाना है। फ्रेंड्स, यही स्टूडेंट अधिकतर गलत करते हैं, वो पढ़ते नहीं है और चार पाँच क्वेश्चन के आंसर बनाते रहते हैं और उनका टाइम निकल जाते हैं। तो ये एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन पेपर को आगे जो लिखा रहता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चार प्रश्न उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या एक अनिवार्य है, यानी प्रश्न संख्या एक में आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, यानी सभी क्वेश्चन आपके लिए एक मार्क्स के होंगे। और पहला ही क्वेश्चन आपसे कहा गया फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु रॉट द बुक कॉल्ड द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, इसका लेखक कौन है। जैसे ऑप्शन देख रहे हैं फ्रेंड्स, चार ऑप्शन आपके सामने एग्जाम में दिए रहेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्विंस राइट। फ्रेंड्स, बुक और ऑथर से रिलेटेड हर एक एग्जाम में, यानी अगर आप सेमेस्टर फोर में पढ़ रहे हैं तो बुक और ऑथर से दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा, हर हाल में पूछेगा, कोई भी पेपर हो, कोर एट हो, कोर नाइन हो या कोर टेन हो, तीनों पेपर में से फ्रेंड्स दो क्वेश्चन आपको ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। तो ऑथर का क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टू है कि ने किसे राजनीतिक यथार्थवाद का पिता कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दो, एच जे मार्थ। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे रिपीटेड, यानी रिपीटेड। फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी बीबीएम के यू के यूनिवर्सिटी से आप अगर बिलोंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में, तो याद रखिएगा 10 क्वेश्चन में से फ्रेंड्स 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एक साल रिपीट होते हैं, जो 2020 में पूछे गए थे 2021 में भी पूछे जाएंगे, जो 2021 में पूछे जाएंगे वो 2022 में भी पूछे जाएंगे। यही है यूनिवर्सिटी का खासियत फ्रेंड्स। अगर प्रीवियस ईयर के दो साल का पेपर आप देख लेते हैं तो आप बिना पढ़े भी एग्जाम से 10 दिन पढ़े, 10 दिन पहले आप पढ़ें, गूगल पे सर्च करके, क्वेश्चन में बता रहा हूँ उसका सर्च करके देखें और इसका सही उत्तर प्राप्त करके आप पढ़े। फ्रेंड्स, मुझे इस बात पर उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप बिना पढ़े भी फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हैं, बस शर्त ईमानदारी के साथ 15 दिन पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है, किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर, एच जे मार्थ नाउ। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। मार्गेंथो के विचार में राष्ट्रीय हित का मूल्य तत्व है, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वन। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ई, राष्ट्रीय हित नामक पुस्तक लेखक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे फ्रेंड्स हम लोग पहला क्वेश्चन देखें ऑथर से रिलेटेड है, अब क्वेश्चन नंबर फाइव को भी हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी ऑथर से रिलेटेड है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ऑथर से रिलेटेड आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे, ये आप याद रखिएगा। तो इसका क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप गूगल पर सर्च करेंगे और अगर सर्च करने के बाद अगर ना मिले तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इनका आंसर भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स सबसे कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग सामूहिक सुरक्षा का कार्रवाई कर सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप सेमेस्टर फोर में रिलेटेड है और कोर पेपर एट का एग्जाम देने जा रहे हैं या जाएंगे फ्रेंड्स,
अगर देने के लिए उम्मीद जगाए हैं तो याद रखिएगा आप UNO यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा डीपली के साथ पढ़ें, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन बनते हैं, और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, बोल सकते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संयुक्त संघ पेपर नंबर 8 यानी कोर नंबर 8 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जिससे 15 नंबर सिर्फ आपको थ्योरी पार्ट से पूछा जाएगा और 5 मार्क्स फ्रेंड्स आपको थ्योरी ऑब्जेक्टिव और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उससे पूछे जाते हैं, यानी 20-25 मार्क्स इसी टॉपिक से उठते हैं। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए यानी महासभा जनरल असेंबली। अगला क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर जी, ऑप्शन नंबर जी है फिर दितांत का अर्थ क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 यानी तनाव का शैथिल। अगला क्वेश्चन की रिमूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, किसे सोवियत नेता ने निशस्त्रीकरण की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गर्बाचेव फ्रेंड्स पेपर 8 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की रिमूव करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सभी को पता होगा अगर सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स पेपर है तो ये सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द हैंग। अगला क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ हर साल पूछे जाते हैं, हर एक साल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आप हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स सेक्शन बी को चलते हैं, और सेक्शन बी में कहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर दे, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आपसे कहा गया है। जैसे पहला प्रश्न है राष्ट्रहित का मूल्य तत्व या तो दितांत या तो राष्ट्रीय शक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय शक्ति है फ्रेंड्स, और ऑप्शन नंबर डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शक्ति संतुलन की परिभाषा दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में कहा गया है फ्रेंड्स, पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ बताए एवं इसकी विशेष वस्तु की विवेचना करें, हर एक साल रिपीट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करके रखें फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हर एक साल रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं, राष्ट्रीय हित का अर्थ उसके एवं उसके नित्यांत या उसके कार्य के बारे में आपसे वर्णन करने के लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, ये भी हर एक साल में रिपीट होते हैं, अगर बिलीव नहीं हो रहा फ्रेंड्स मेरे बात से तो आप 2021 का एग्जाम दें, एग्जाम पेपर जब हो जाए फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर आप जो बताएं थे वो सही था, जरूर बताएं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एग्जाम देने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि मेरा द्वारा बताया हुआ क्वेश्चन आया है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय शक्ति का क्या अर्थ है, किसी राज्य का शक्तिशाली बनाने वाले विभिन्न तत्वों का विवेचना करें या तो वर्णन करें। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होते हैं फ्रेंड्स। जो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इन लॉन्ग क्वेश्चन में फ्रेंड्स 7-8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा शक्ति संतुलन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपको हर एक हाल में पूछा जाएगा, हर साल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं, शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए उसकी विभिन्न विधियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, निशस्त्रीकरण का अर्थ प्रकृति का वर्णन करें एवं निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन की मूव करते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी तुरंत बताया आप लोगों को कि UNO से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एक हाल में पूछे जाते हैं, चाहे वो 20 मार्क्स के हो या 5 मार्क्स के हो या ऑब्जेक्टिव हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर आप सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस और कोकोर पेपर 8 के बारे में पढ़ रहे हैं तो खास करके इस टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ें, क्योंकि इस टॉपिक से ही आपको 25-26 नंबर फ्रेंड्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे UNO के बारे में। जैसे लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये हम लोग अभी जो डिस्कस किए एक कोर पेपर 8 है, और अगर इसी तरह पेपर पाना चाहते हैं कोर पेपर 9 के बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि फ्रेंड्स मेरे द्वारा कोई भी वीडियो बनाया जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।